Hello students, welcome in RCI Education Hub online class. Dear students, previous class में अपन ने discuss किया था charge to mass ratio of electron. आज अपन discuss करने जा रहे हैं determination of charge on electron. इसके लिए अपन यहाँ पर कौन सा method use करेंगे? Oil drop method, इसका Millikan. क्या नाम है? ऑयल ड्रॉप मेथड, इसका मिलिकन साइंटिस्ट का नाम है. इसके लिए अपन ने एक क्यूब शेप का एक बॉक्स यूज में लिया है. क्या लिया बेटा? क्यूब शेप का. क्यूब नहीं कह सकते इसको, अपन क्यूबॉइड बोल सकते हैं. क्यूबॉइड शेप का अपन ने क्या यूज लिया है? आपका एक बॉक्स यूज लिया है. इस बॉक्स में चार प्लेटें लगी हुई है. देखो, ऊपर वाली प्लेट है, फिर बीच में प्लेट है, फिर प्लेट है, फिर प्लेट लगी हुई है. तो यहाँ पर इसमें प्लेट में बीच बीच में क्या होगा रखे हैं अपन ने? होल कर रखे हैं, राइट. इसके लेफ्ट साइड में आपका ऑयल ड्रॉप स्प्रेयर लगा हुआ है. आपका ऑयल ड्रॉप स्प्रेयर जो स्प्रे करता है आपका, जिससे अपने पास में आप सेविंग जो कटिंग वाले की सोप होती है उस पर स्प्रेयर होता है. वैसे आपका ये ऑयल ड्रॉप पर स्प्रेयर होता है, या फिर अपन मशीनों में ऑयल डालते हैं वैसा स्प्रेयर अपन इसको कह सकते हैं. इसमें जो ऑयल ड्रॉप आएगी उसका मास अपन को पहले से कैलकुलेट होगा कि ईच जो ड्रॉप है उसका मास कितना है. उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन ऑब्जर्व करेंगे इस पे चार्ज कितना ऑब्टेन होगा. क्योंकि ऑयल जो है आपका, ऑयल वो आपका किसी सब्सटेंस का बना है और उस सब्सटेंस में आपके एटम प्रेजेंट है और एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट. अब यहाँ पर इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए अपन ने क्या लगा रखा है? टेलीस्कोप. क्या लगा रखा है बेटा इसमें? टेलीस्कोप. और कितना चार्ज प्रोड्यूस हुआ इसके लिए बिटवीन एक्सपेरिमेंट अपन कौन सी रेज डालेंगे यहाँ पर? एक्सरे. कौन सी रेज? एक्सरे. एक्सरे टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन पार्टिकल, राइट. और यहाँ पर देखो, ये जो आपके पास में ड्रॉप है ये इस तरह से आपको अज्यूम हो रही है कि ड्रॉप रुकी हुई है. इसका रुकने का रीजन क्या है कि अपने पास में चार्ज के ऊपर, सॉरी ड्रॉप के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इसको अपसाइड में, यहाँ पर अपसाइड में अट्रैक्ट करता है. और ग्रेविटेशनल फोर्स, सब जानते हो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आपको डाउन साइड में इसको क्या करता है? मूव करवाता है. इस वजह से अपन को लगता है कि ये ड्रॉप आपकी यहाँ पर क्या हुई है? स्टे हुई है, रुकी हुई है. और उसी ड्रॉप का अपन एक्सरे रेज के हेल्प से उस पे चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने टाइम में कितनी ड्रॉप्स आपकी यहाँ पर क्या हुई, चार्ज हुई, कितने टाइम में कितनी ड्रॉप्स आपकी चार्ज हुई. दोबारा समझिए बेटा, अपन ने क्यूबो टाइप का है यहाँ पर क्या ले रखा है? बॉक्स ले रखा है जिसमें अपन ने चार्ज प्लेट लगा रखा है. क्लियर? इन चार्ज प्लेटों में सब ने क्या कर रखा है? होल हो रखा है, राइट. सबको दिख रहे हैं होल आपके. इन होल में अपन क्या कर रखे हैं? ऑयल ड्रॉप स्प्रेयर से यहाँ पर ऑयल ड्रॉप डाल दे रहे हैं, राइट. इसके बिटवीन, इन दोनों चार्ज प्लेट के बिटवीन क्या फिनोमेना होती है उसको ऑब्जर्व करने के लिए अपन ने क्या लगा रखा है? टेलीस्कोप, राइट. चार्ज ऑयल ड्रॉप अंडर ऑब्जर्वेशन, ये जो चार्ज ड्रॉप है आपकी ये क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन है. किसके हेल्प से? टेलीस्कोप के हेल्प से. और यहां पर अपन इसमें क्या डालते हैं? एक्स रे डालते हैं जिससे अपन को पता लगेगा कि इसमें पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है. उसको अपन ने कैलकुलेट कैसे किया? मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड से, कि कितने टाइम में आपके पास में कितनी ड्रॉप्स पे चार्ज ऑब्जर्व होता है उसी को अपन इसके चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल ड्रॉप है उसका मास पहले से कैलकुलेट है, फिक्स मास की आपकी क्या होगी? ऑयल ड्रॉप होगी. और उसी के बेस पे अपन को इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्टेन होगा, वो कितना होगा अपने पास में?
1.6022 इंटू 10^-19 कूलम। कितना होगा? 1.6022 इंटू 10^-19 कूलम। अपने पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैलकुलेट होगा जो नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि अपन डिस्कस कर चुके इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ध्यान दीजिए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में ये चार्ज आपका डायरेक्टली ऑब्टेन हुआ है। पिछले एक्सपेरिमेंट में भी जो वैल्यू ऑब्टेन हुई थी वो भी आपकी डायरेक्टली ऑब्टेन हुई है। इनका कोई डेरिवेशन अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो उस वे में अपन यहां पर कह सकते हैं कि अपने पास चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, 1.6022 10^-19 कूलम, जो मिलिकन ने कौन से मेथड से, ऑयल ड्रॉप मेथड से अपन यहां पर ऑब्टेन होती है। आई होप आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।